कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों मैंने आपको अभी तक, मैंने वैसे 3 लेक्चर्स ले लिए, ये 4th लेक्चर है अगर मैं शुरू से काउंट करूं, और अगर मैं बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर देखूं तो ये बेसिक कंसेप्ट लेक्चर नंबर 2 है। मैंने बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सिस्टम, व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। आज के इस लेक्चर में मैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम को गहराई में समझाने वाला हूँ, और कुछ ऐसी चुनिंदा बातें, कुछ ऐसी बेसिक बातें आपको बताऊंगा जो प्री रिक्विजिट है बिफोर डूइंग सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटीज लॉस एंड कैपिटल मार्केट एज अ पेपर। बेटे कुछ बेसिक बातें, जैसे काओ का ऐसे लिखना हो तो आपको काओ के बारे में पता तो होना चाहिए, तभी तो ऐसे लिख सकते हो। मैं सीधे कह दूं जी काओ के ऊपर ऐसे लिखो, आप लिख ही नहीं सकते। बेटे आपने काओ देखी हो, आप बचपन में जब छोटे थे तो आपको पहले बताया गया था गाय होती है, गाय माता होती है, गाय दूध देती है, गाय घास खाती है, गाय की 4 टांगे होती हैं, गाय ये करती है, गाय की एक पूंछ होती है। बेटे इसी तरह से तभी तो आप ऐसे लिख पाओगे। इसी तरह से अगर आप सिक्योरिटीज लॉस एंड कैपिटल मार्केट का पेपर सच में करने वाले हो तो आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो आज का ये लेक्चर बेसिक कंसेप्ट लेक्चर 2 है, और शुरू से देखें तो ये 4th लेक्चर है। बेटे मैंने ये सारी बातें आपको बता दी थी, व्हाट इज अ सिस्टम, फिर मैंने बता दिया था एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम, फिर मैंने बता दिया था व्हाट इज अ फाइनेंशियल सिस्टम, फिर मैंने बता दिया था फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, और फंक्शंस में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस किया था। फिर बेटे हमने मेरिट्स ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स बता दिए थे, और मैंने बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, हम किसको कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट है और किसको कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। बेटे क्या रिलेशनशिप है इकोनॉमी की ग्रोथ का उस कंट्री की फाइनेंशियल सिस्टम के साथ। और मैंने लास्ट लेक्चर में इस स्लाइड तक छोड़ा था, और इस स्लाइड में मैंने बताया था देयर आर 3 कंपोनेंट्स। बेटे सिस्टम में कंपोनेंट्स होते हैं, तो फाइनेंशियल सिस्टम में एक कंपोनेंट है फाइनेंशियल मार्केट का, दूसरा कंपोनेंट है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का, और तीसरा है फाइनेंशियल प्रोडक्ट का। तो मैं आपको सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट की बात बताने जा रहा हूं, और उससे भी पहले मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट बेसिक बात तो समझे, आपको पता तो होना चाहिए, बचपन से आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते रहे। बेटे हम किसको बोलते हैं मार्केट, मार्केट है क्या, पहले मैं मार्केट की बात कर लूं। बेटे मार्केट वो है जहां पर कुछ लोग सामान खरीदने के लिए जाते हैं, मतलब सामान खरीदते हैं, और वहां पर कुछ लोग सामान बेचने के लिए जाते हैं। बेटे कुछ बायर्स होते हैं और कुछ सेलर्स होते हैं, मैं कहता हूं उसको बोलते हैं मार्केट। इट इज अ प्लेस, नाउ दैट प्लेस वेयर टू पार्टीज जॉइन टुगेदर इंटरैक्ट। नाउ दिस प्लेस कैन बी फिजिकल प्लेस, बेटे या तो फिजिकल हो सकती है जैसे आपके घर के आसपास सब्जी मंडी है, और या वर्चुअल भी हो सकती है। बेटे वर्चुअल का मतलब जैसे मैं बात करता हूँ Amazon की, तो Amazon is a virtual marketplace where buyers and sellers meet together electronically, digitally, and they buy and they do transactions in that. Physical का मतलब क्या है? आप physically जा रहे हैं, physically सामान खरीद रहे हैं, physically पैसे दे रहे हैं, physically सामान घर लेकर आ रहे हैं। बेटे market is a place where buyer and seller meet together. अब सवाल आता है कि what is a financial market? मैं बात कर रहा हूं बेटे फाइनेंशियल मार्केट की, एक ऐसी मार्केट वेयर द टू पर्संस, विच टू पर्संस, द वन पर्सन हु वांट्स टू इन्वेस्ट, जहां पर एक व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाह रहा है, और दूसरा पर्सन मे बी अ कंपनी, मे बी आर्टिफिशियल पर्सन, मे बी अ नेचुरल पर्सन, मे बी अ पार्टनरशिप फर्म, मे बी अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, मे बी अ HUF, मे बी अ सोसाइटी, दैट पर्सन वॉन्ट्स टू बोरो, इट मीन्स दैट पर्सन रिक्वायर्स द फंड्स।
एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लेंड द फंड. सो द मार्केट वेयर दीज टू पर्सन ज्वाइन टूगेदर वेयर दीज टू पर्सन इंटरैक्ट दैट प्लेटफॉर्म वेयर वेयर फंड्स आर बीइंग एक्सचेंज हैंड्स, जहां पर पैसे हैंड्स को एक्सचेंज करें, ए की पॉकेट से निकलकर बी की पॉकेट में जाए, यहां इन्वेस्टर से निकलकर इन्वेस्टर से निकलकर इंफोसिस में जाए, इन्वेस्टर से निकलकर टीसीएस में जाए. बेटे हम कहते हैं दैट मार्केट इज नेम्ड एज फाइनेंशियल मार्केट. आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब मैं आ रहा हूं फाइनेंशियल मार्केट की. अगर मैं सब कैटेगरीज निकालनी शुरू कर दूं तो बेटे फाइनेंशियल मार्केट की दो कैटेगरीज बन सकती हैं. एक कैटेगरी हो सकती है बेटे फाइनेंशियल मार्केट में. मैं दो कैटेगरीज बना सकता हूं बेटे. एक कैटेगरी का नाम है कैपिटल मार्केट. आराम से बेटे, मेरे को पता है टी खराब हो गया. कैपिटल मार्केट, ध्यान से बेटे, बिल्कुल 2-3 मिनट ध्यान से बैठना है बेटे, ईमानदारी से कमर सीधी करके बैठना है. एक होती है बेटे मनी मार्केट. आहा 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 बेटे, ए मेरे बेटे, मैं कह रहा हूं पहले कंपोनेंट को डिस्कस कर रहा हूं फाइनेंशियल सिस्टम के, उसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट. मैंने फाइनेंशियल मार्केट को हथौड़े मारे, टूट गया और उसके दो नए छोटे छोटे कंपोनेंट्स निकले बेटे. एक कंपोनेंट का नाम है कैपिटल मार्केट और दूसरे कंपोनेंट का नाम है मनी मार्केट. अब बेटे दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, अलग अलग इनके फीचर्स हैं, भले इनके मम्मी पापा एक हैं, बेटे 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 ग्रैंड पेरेंट्स तो फाइनेंशियल मार्केट ही है, लेकिन आप ये बताओ सबके फीचर्स अलग अलग होते हैं ना. आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपका सबका फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है ना. बिल्कुल इसी तरह से बेटे फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो एक होती है कैपिटल मार्केट और एक होती है मनी मार्केट. इसके कुछ फीचर्स हैं, हम देखेंगे क्या फीचर्स हैं जब हम चैप्टर्स करेंगे. वैसे अभी तक समझ लीजिए कि अगर आपको पैसे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, इफ इफ यू रिक्वायर फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म 5 years 10 years 15 years और फॉर इनफाइनिट पीरियड, दैट यू गो फॉर कैपिटल मार्केट. Then those persons will interact in a capital market. For example, अगर एक कंपनी को securities issue करनी है और long term के लिए चाहिए, तो बेटे वो capital market में जाएगी. और if the requirement of fund is short term, if the requirement of the fund is short term, अगर कुछ ही समय के लिए चाहिए बेटे, एक महीने के लिए चाहिए, एक दिन के लिए चाहिए, 365 दिन मैक्सिमम हो सकता है या उससे कम के लिए चाहिए, तो मैं कहता हूं यू हैव टू गो टू मनी मार्केट. इट मींस देयर आर टू डिफरेंस मार्केट्स इन विद इन फाइनेंशियल मार्केट. आप बात समझ पा रहे हैं? जैसे मुझे एक प्रोजेक्ट फाइनेंस कराना है, मुझे नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, एक्सपेंशन करना है ना. जैसे जियो, रिलायंस जियो इंटरनेट में आ गया तो उसको वो टीवी दे रहा है सबको. बेटे मेरे को एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आई रिक्वायर फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस एंड दैट लॉन्ग टर्म नीड कैन बी फुलफिल्ड थ्रू कैपिटल मार्केट ओनली, नॉट विद मनी मार्केट. आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मनी मार्केट से वो नीड फुलफिल नहीं हो सकती. बट मुझे थोड़े दिनों के लिए पैसा चाहिए भाई, मुझे सैलरी पे करनी है और मेरे अकाउंट में अभी पैसे नहीं है और मुझे पता है नेक्स्ट वीक आ जाएंगे, तो क्या मैं सैलरी ना दूंगा? तो मैं क्या करूंगा? आई विल गो इन द मनी मार्केट, आई विल बोरो द फंड्स, आई विल गो एंड आई विल पे द सैलरी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक जब पैसे आएंगे तो मैं वो अपना बोरो, अपना डेट रीपे कर दूंगा. जैसे मैंने रॉ मटेरियल खरीदना है और रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए अभी मेरे पास वर्किंग कैपिटल के फंड्स नहीं है, बट मुझे मालूम है कि आई एम गेटिंग पेमेंट्स विद इन सम पीरियड, तो आई कैन परचेज रॉ मटेरियल एंड आई कैन पे विद हेल्प ऑफ मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, आई कैन बोरो फ्रॉम मनी मार्केट एंड आई कैन स्टार्ट माय प्रोडक्शन एंड आफ्टर सम पीरियड आई कैन रीपे दैट. तो इसका मतलब फाइनेंशियल मार्केट और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट की अलग अलग फीचर्स हैं. जैसे बेटे आपको लग रहा है कि अभी इतनी भूख नहीं है, शाम का समय हो गया है, आप चाय तो पी रहे हो, अभी अभी इतनी भूख नहीं है कि पिज्जा खा पाओ, तो आप क्या करोगे? समोसा खा लोगे. समोसा खाने का मतलब हो गया मनी मार्केट, जो थोड़ी सी भूख मिटा दे थोड़ी देर के लिए. बट अगर सच में ही आपको भूख ज्यादा है तो
तो बेटे आप लंच करते हो, आप डिनर करते हो, आप दाल खाते हो, आप शाही पनीर खाते हो, आप नान खाते हो, आप पराठे खाते हो, आप लच्छे वाला पराठा खा लेते हो, बेटे उसको मैं कहूंगा कैपिटल मार्केट है. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट विद इन फाइनेंशियल मार्केट. वन इज कैपिटल मार्केट एंड सेकेंड इज मनी मार्केट. एंड बोथ हैव डिफरेंट फीचर्स, बोथ हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. भाई हर मार्केट की अपनी एक अलग से मार्केट की अलग से फीचर्स हैं. तो मैंने कहा कैपिटल मार्केट के जो फीचर्स हैं उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करोगे उसका नाम है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. एक बच्चा कहता सर आज लिखना है कुछ या नहीं. बेटे लिखना क्यों नहीं, बेटे ये तो समझा रहा हूं, अभी मैं आ ही रहा हूं बेटे. और इन इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे. कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आपने सुना हुआ है, जैसे मैं कहता हूँ इक्विटी शेयर्स, जैसे मैं कहता हूँ प्रेफर्ड स्टॉक, जैसे मैं कहता हूँ डिबेंचर्स, जैसे मैं कहता हूँ बॉन्ड्स. बेटे इक्विटी शेयर्स, एक कंपनी आपसे जब इक्विटी शेयर्स इशू करती है और फंड्स लेती है, आप पैसे देते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, तो बेटे इट इज फॉर इनफाइनाइट पीरियड, क्योंकि कंपनी चाहेगी तभी वापस कर सकती है बायबैक के थ्रू. अदरवाइज यू कैन नॉट डिमांड फ्रॉम द कंपनी दैट प्लीज गिव माय बैक मनी. डेट में आप डिमांड कर सकते हो, प्रेफरेंस स्टॉक में डिमांड कर सकते हो, बट इट इज फॉर लॉन्ग टर्म. सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स. इसी तरह से अगर मैं मनी मार्केट की बात करूं, बेटे प्रॉमिसरी नोट, बेटे बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी स्टॉक, उसके बाद कमर्शियल पेपर, ये सारे क्या है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है. तो आइए हम सीख लें इन सबको, एक बार लिख लें. आज बेटे बेसिक कंसेप्ट नंबर टू है. आज मैं भूपेश आनंद आपको बताऊंगा, कुछ तो समझाऊंगा बेटे. आज आपको बेसिकली समझ आ जाएगा कि हम करने क्या वाले हैं. तो आइए दोस्त शुरू करते हैं कहानी किस्मत की. कहानी किस्मत की बेटे शुरू हो रही है. मैंने यहां तक करा दिया था, मैं 9th पॉइंट में आ गया था. आज का लेक्चर यहां से शुरू हो रहा है मेरे बेटे. बेसिक बेटे हमने बड़ी ज्यादा गूगल और मनी कंट्रोल में समझ टाइम लगाने आने वाले क्लासेस में. बेसिक कंसेप्ट नंबर टू, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. अगर लिख लिया हो तो मैं आगे चलूंगा. लिखेंगे सभी बच्चे, लिखेंगे. इट इज अ प्लेस, लिखिए. बेटे मैं बुक लेने गया था, बुक सामने पड़ी थी टेबल में. आपको पता ही है कि आपके पास एक बुक आ चुकी है सिक्योरिटी मार्केट्स एंड कैपिटल, सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट के ऊपर. बेटे मैंने इस बुक को कंसेप्ट वाइज बनाया, मैं अभी दिखाऊंगा कैसे बनाया. इंडेक्स दिखाऊंगा, फ्लो चार्ट दिखाऊंगा, आपका न्यू स्टडी मटेरियल सारा कवर किया है, आपके पास एग्जामिनेशन ओल्ड सिलेबस सारे कवर किए हैं, मैंने फ्लो चार्ट बनाए हैं और बड़ी अच्छी तरह से सारे चैप्टर्स को कंसेप्ट में डिवाइड किया है. बेटे ये हमारी इस बुक की खासियत है कि मैंने हर चैप्टर के लर्निंग आउटकम देखे, उनके कंसेप्ट्स बनाए और हर कंसेप्ट में क्वेश्चन आंसर लिखे. अभी मैं बुक को आपको दिखाने वाला हूँ सॉफ्ट में, और 70 और 30 और बेस्ट बुक बनी है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. तो उम्मीद है आपने लिख लिया होगा मार्केट. बेटे मार्केट इज अ प्लेस, मैंने अभी भी बताया था, इट इज अ प्लेस where buyers and sellers can exchange, can interact, can sell, can buy. One person wants to buy securities, normal goods, कुछ भी, क्योंकि मैं financial securities की बात करने वाला हूँ, मैं financial market की बात करने वाला हूँ. तो एक person जिसको ऐसा लग रहा है कि यार उसके पास Infosys के shares पड़े हुए हैं, उसके पास Apollo Tyres के shares हैं, और उसे ऐसा लग रहा है कि उसको पैसे की requirement है, या उसको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अपोलो टायर्स के जो उसके पास शेयर्स है उसका प्राइस कम हो जाएगा, क्यों लग रहा है, हम अभी उसमें नहीं जा रहे, तो वो बेचना चाहता है. और एक व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन हु वांट्स टू बाय बिकॉज ही थिंक्स दैट इन कमिंग डेज द शेयर्स, द प्राइस ऑफ अपोलो टायर विल इंक्रीज. सो बोथ हैव डिफरेंट नोशंस, बोथ हैव डिफरेंट थॉट प्रोसेस, एंड दे बोथ इंटरैक्ट. And the place where they interact is named as a market. So that's why I've written it is a place where the two prominent activities are there. Example में मैंने बताया vegetable market, stock exchange market भी लिख लें. Stock exchange में हम ज़्यादा जाने वाले हैं क्योंकि stock exchange is a market where buyer and seller interact with each other and they buy and they sell the things. That is a market. आइए जी, market can be physical or virtual. मैंने वही भी बताया, virtual में बताया मैंने. Stock market is a virtual market. आपको एक panel दे देंगे,
Amazon is a virtual market. Bede OLX is a virtual market. Flipkart is a virtual market. Quicker is a virtual market. ये सारी virtual markets हैं. Product is ना बेटे जो खरीदेंगे और जो बेचेंगे वो क्या है? Product तो है. ठीक है जी. आइए अब सवाल आता है. मैं इस product की बात तो कर चुका हूँ. लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूँ. Financial markets को हम दो parts में divide कर सकते हैं. हमने अभी भी सीखा. एक पार्ट का नाम है कैपिटल मार्केट और दूसरे पार्ट का नाम है मनी मार्केट. ठीक है. तो आइए फाइनेंशियल मार्केट में मैंने दो पार्ट्स लिखे. आप भी लिखे बेटे. फ्लो चार्ट बनाए. कैपिटल मार्केट मनी मार्केट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. आप बिल्कुल टेंशन ना लें. मैं खाली आपको बेसिक्स बातें बता रहा हूं. कैपिटल मार्केट में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. और मनी मार्केट में जो यूज करते हैं उसका नाम है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. और बेटे दोनों मिलकर बन गए फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. और बेसिक नेचर क्या है बेटे? बेसिक नेचर आपकी आंखें मैं बंद कर दूं और आपके मुंह में मैं डालूं पाव भाजी आपको बताए बिना और आपको कहूं ये टेस्ट करके बताओ क्या नाम है इसका. बेटे 101% अगर आपने पहले पाव भाजी खाई हुई है तो आप बताएंगे कि ये पाव भाजी है, ये मसाला डोसा है, ये इडली है, ये सांभर है. इसी तरह से कैपिटल मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनका नाम है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफर्ड स्टॉक, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स. तो लिखे फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस न्यू प्रोजेक्ट्स. बेटे कैपिटल मार्केट में क्योंकि पैसे लंबे समय के लिए चाहिए तो नए प्रोजेक्ट्स के लिए शॉर्ट टर्म पर्पस. ठीक है जी. आइए नेक्स्ट. बेटे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि मनी मार्केट में जो पैसे चाहिए होते हैं दैट यू ओनली रिक्वायर फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस. तो व्हेन आई से शॉर्ट टर्म पर्पस देन आई विल से इट इज फॉर वर्किंग कैपिटल. एंड व्हेन आई से वर्किंग कैपिटल आई मीन फॉर सम पीरियड आई वांट. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फॉर डे टू डे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और मैंने लिखा पेमेंट ऑफ सैलरी. बताया था आपको कि सैलरी पे करनी है लेकिन पैसे नहीं है आने वाले हमें पता है. तो बेटे उसके लिए हम मनी मार्केट में जाएंगे कैपिटल मार्केट में नहीं जाएंगे. रॉ मटेरियल का एग्जांपल दिया. फिर मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना है टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. बेटे कॉमन स्टॉक और कॉमन स्टॉक कैसे इशू हो सकता है बेटे अभी हम देखेंगे. आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट इशू, बोनस शेयर्स, ईसॉप्स, अलग अलग तरह से आई कैन इशू एंड ट्रेड. बेटे कैपिटल मार्केट में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक है इशू की एंड एक है ट्रेडिंग की. हम पहले इशू करते हैं फिर ट्रेड करते हैं. इसका मतलब जो इशू होती है वो प्राइमरी मार्केट में होती है. अभी मैं आ रहा हूं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. आप जब पहली बार शेयर्स खरीदते हैं या कंपनी पहली बार जब शेयर्स इशू करती है तो दैट कैन ट्रांजैक्ट थ्रू प्राइमरी मार्केट. अभी आ रहा हूं बेटे. आपका मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट यही है आपको बताना कि व्हाट इज प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट विद इन कैपिटल मार्केट. तो पहले आप एग्जांपल लिख लें इंस्ट्रूमेंट्स के. ठीक है जी. लिख लिया हूं तो मैं आगे चलूंगा. मैं भूपेश आनंद मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल चाहता हूं. आप लिख लें प्रेफर्ड स्टॉक, कमर्शियल पेपर, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ऑल दीज आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. आइए जी मैं बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहा हूं. मैंने आपको पहले फाइनेंशियल सिस्टम बताया और फिर मैंने फाइनेंशियल सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स बताए. उसमें एक कंपोनेंट फाइनेंशियल मार्केट बताया, उसमें कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट बताया. मैं आजकल उसके फीचर्स बता रहा हूं. अब मैं कैपिटल मार्केट को दो मार्केट्स में डिवाइड कर दूंगा. उसका नाम है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. तो प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में डिस्कस करेंगे. आइए मेहरबान. मैंने एक नया नाम यूज कर दिया कैपिटल मार्केट के साथ सिक्योरिटीज मार्केट, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे प्यार को बढ़ाऊंगा, हद से गुजर जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो सिक्योरिटीज लॉस और कैपिटल मार्केट बताना है. तो मैं धीरे धीरे आप चेक करिए मैं उसी लाइन पे आता जा रहा हूं. मैंने कहा कैपिटल मार्केट का दूसरा नाम है सिक्योरिटीज मार्केट, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट, अ थिन डिफरेंस. वो मैं बताऊंगा व्हाट इज अ थिन डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड सिक्योरिटी. अभी मान के चलिए एक सेकंड के लिए यार कि कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट एक ही होते. क्या हो गया एक सेकंड के लिए तो सोच ही सकते हो. आगे इट इज दैट मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर इश्यूड. कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट इज दैट मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज को इश्यू करते और फिर ट्रेड करते हैं. इश्यू करते हैं और ट्रेड करते हैं.
तो दो एक्टिविटीज होती हैं, अगर ये समझ आ गई तो समझ लीजिए मजा आ गया। इशू कहाँ होती है बेटे? बेटे इशू प्राइमरी मार्केट में होती है। आप देखो इशू प्राइमरी मार्केट में होती है, जब पहली पहला प्यार, पहली बार प्यार हुआ आपको किसी, कोई लड़की अच्छी लगी, एक लड़की को लड़का अच्छा लगा, तो बेटे हम कहते हैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट साइट फर्स्ट लव, इट इज प्राइमरी मार्केट। बट एक बार आपका ब्रेकअप हो चुका है और उसका भी ब्रेकअप हो चुका है, बेटा ये सेकेंडरी मार्केट है। इशू हो चुका है, अब ट्रेडिंग हो रही है, शेयर्स इशू हो चुके हैं। टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपने शेयर्स इशू कर दिए पहली बार आज से 5 साल पहले, लेकिन अगले दिन से जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग है। बेटे उसका नाम है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो सकती है। अभी हम देखेंगे कितनी एक्सचेंजेस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, और हमारे इंडिया में कितनी एक्सचेंजेस है, और प्रोमिनेंट कौन सी है, उनके बेंचमार्क कौन से हैं, उनके इंडेक्स कौन से हैं, सेंसेक्स किसको कहते हैं, निफ्टी किसको कहते हैं, सेंसेक्स बना कैसे है, निफ्टी बना कैसे है। बेटे एक एक चीज का खुलासा कर दूंगा, पानी एक तरफ और दूध एक तरफ कर दूंगा। हंस को अगर पानी में दूध मिलाकर दे दो तो बेटे दूध दूध पी जाएगा, पानी रहने देगा, ऐसी क्वालिटी दिया भगवान ने हंस को। तो मैं भूपेश आनंद से कसम खाता हूं कि आपको एक एक चीज क्लैरिटी से बताऊंगा, हर चीज का जन्म कैसे हो बताऊंगा। आप पहले लिख लें इशूड, बेटे प्राइमरी मार्केट में कैसे इशू होता है, पब्लिक इशू, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट सीखेंगे, सीखेंगे बेटे पब्लिक इशू क्या होता है, आईपीओ सीखेंगे, फर्दर इशू बेटे राइट इशू सीखेंगे, बेटे हम सीखेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट, और सेकेंडरी मार्केट का मतलब है ट्रेडेड। आप देखिए जी, ट्रेड 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 का मतलब ही है बेटे सेकेंडरी मार्केट, ट्रेड का मतलब ही है सेकेंडरी मार्केट मेरे बच्चे। और ट्रेड कहाँ होती है, एक्सचेंज में होती है। अच्छा, इसमें एक्सचेंज में मैं दो तरह के सेगमेंट्स बताऊंगा, जब मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा ना तो मैं अपने डीमैट अकाउंट से अपनी ट्रेडिंग डायरेक्टली लाइव सिखाऊंगा बेटे। स्पॉट और फॉरवर्ड सेगमेंट, दो सेगमेंट है, स्पॉट सेगमेंट फॉरवर्ड सेगमेंट। जब आप ऑन द स्पॉट एक्चुअली में फिजिकल डिलीवरी चाहते हो तो बेटे आप स्पॉट मार्केट में जाते हो। जनरली फॉरवर्ड मार्केट में हम सट्टे बाजारे की बात करते हैं, हम जनरली डिलीवरी नहीं लेते। अभी देखेंगे बेटे डेरिवेटिव्स के ऊपर तो क्वेश्चन आता है, ऑप्शंस का हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सब करेंगे बेटे। आप बस चार्ट बनाते रहिए, मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय खड़ा हूं और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा हूं। मैं आ गया सेकेंडरी मार्केट में, और मैं उसके दो सेगमेंट्स को डिस्कस कर रहा हूं, हल्का सा ट्रेलर दे रहा हूं। इंट्रोड्यूसिंग कैटरीना कैफ, इंट्रोड्यूसिंग रणबीर कपूर, पूरी मूवी देखेंगे, अभी ट्रेलर है बेटे। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। स्पॉट ट्रेड इज कैश सेगमेंट, व्हेन एक्चुअल परचेज एंड सेल टुक प्लेस, जब एक्चुअली में खरीदी और बेची वाली एक्टिविटीज होती है उसको बोलते हैं बेटे स्पॉट। व्हेन परचेज, डीमैट अकाउंट क्या होता है देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और डीमैट अकाउंट जब हम सेल करते हैं तो डीमैट अकाउंट डेबिट हो जाता है बेटे, जैसे आपके बैंक अकाउंट होते हैं ना वैसे ही आप शेयर्स आजकल डीमैट अकाउंट से कर सकते हो। वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर का, वही मुद्दा है कि लॉस की क्यों जरूरत पड़ी। मैंने अभी बताया फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है, मैं धीरे धीरे उसके बाद ये बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट का ब्रेकअप क्या है। अब ये सारे एक्टिविटीज जो करनी पड़ेंगी इसको रेगुलेट तो करना पड़ेगा ना बेटे, मनी बेटे पेटे पब्लिक का हार्ड अर्न मनी है। आप ये बताइए अगर किसी कंट्री में उसके सिटीजंस उसके सिटीजंस इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं और बेटे वो पैसे थोड़े से रखते हैं अपने पास और जब वो इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे महाराष्ट्र बैंक की बात करें कितने लोग मर गए बेटे, महाराष्ट्र बैंक का कांड आपने सुना होगा। आप ये बताइए किंगफिशर एयरलाइंस बेटे, सत्यम कंप्यूटर्स, जिस कंट्री में विश्वास खत्म हो जाता है उस कंट्री में लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे और हमारा सिस्टम फाइनेंशियली एफिशिएंट नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, जीडीपी नहीं होगा। इसलिए सरकार की, राजा की, उस नगर के राजा की ड्यूटी होती है कि जो उसका फाइनेंशियल सिस्टम है उसको प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए। इसलिए हमारे यहाँ पे लॉज आ गए बेटे, हम तीन लॉज करेंगे, सेबी एक्ट, एससीआरए एक्ट, उसके बाद डिपॉजिटरी एक्ट, और बड़ी सारी रेगुलेशंस हैं, हम 11 रेगुलेशंस करेंगे बेटे, वो हम आ रहे हैं। यही तो बात बताने जा रहा हूँ कि सिक्योरिटी लॉज का जन्म हुआ क्यों। तो मैंने आपको अभी तक बताया फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, फिर फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, अब मैं बता रहा हूँ कैश सेगमेंट के बारे में, इसके बाद बताऊंगा फ्यूचर सेगमेंट के बारे में। तो देखिए जी, आइए आइए, मैं फ्यूचर मार्केट में लग रहा हूं। इन फ्यूचर मार्केट देयर इज नो एक्चुअल सेल एंड परचेस।
फ्यूचर मार्केट में कोई एक्चुअली सेल परचेस नहीं होती, सीखेंगे आप खाली लिख लीजिए। हेजिंग का मतलब होता है अपने आप को सेफ करना। इंश्योरेंस क्यों लेते हैं बेटे? लाइफ इंश्योरेंस क्यों ली जाती है? क्योंकि हम सबको पता, हम सबको मरना है, तो हमारे मरने के बाद हमारे जो घर वाले हैं उनको दिक्कत ना आए। बेटे आजकल तो कंपनी सेक्रेटरी जब आप क्वालिफाइड बन जाएंगे तो आप एक बेनिवोलेंट फंड में भी पैसे लगा सकते हैं। आपको कंपलसरी लगाना पड़ेगा, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। बेटे वो इसीलिए किया है कि अगर एक कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाइड का मेंबर का सडन डेथ हो जाती है तो उसके जो घर वाले हैं उनको हम कुछ मदद दे पाए। इट इज अ हेजिंग। तो हम देखेंगे हेजिंग क्या होती है, स्पेकुलेशन क्या होता है। बेटे ये सारी बातें सीखेंगे। और आपको थोड़ा सा और लिखना है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के ऊपर। वैसे मैं बता चुका इट गवर्न्स ऑल सिक्योरिटीज वेदर ट्रांसफरेबल और नॉट। मैंने अभी भी एक वर्ड यूज किया था, सिक्योरिटी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट को हम यूज कर सकते हैं एज अ सिनोनिम, बट देयर इज अ डिफरेंस। कैपिटल मार्केट में हम ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल दोनों सिक्योरिटीज लेते हैं, लेकिन सिक्योरिटीज मार्केट में हम खाली ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज लेते हैं। इसका मतलब कैपिटल मार्केट में हम बैंक डिपॉजिट्स भी लेंगे जो ट्रांसफरेबल नहीं है, बट सिक्योरिटी मार्केट्स में खाली सिक्योरिटीज लेंगे जो खाली ट्रांसफरेबल है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट। बेटे मदद करने वाला, कमर सीधी करके बैठो। देखो ढीले होकर बैठोगे ना तो मैं अभी पढ़ाना छोड़ दूंगा। बेटे बिल्कुल लिखो, कैपिटल मार्केट इट गवर्न्स ऑल सिक्योरिटीज वेदर ट्रांसफरेबल और नॉट। सिक्योरिटी मार्केट इट गवर्न्स ऑल सिक्योरिटीज ओनली दो सिक्योरिटीज व्हिच आर ट्रांसफरेबल। तो मैंने कैपिटल मार्केट को बड़ी रिंग रोड बना दी, सिक्योरिटी मार्केट को छोटी रिंग रोड बना दी। नॉन ट्रांसफरेबल क्या होता है? जैसे बैंक डिपॉजिट्स, कंपनी डिपॉजिट्स हैं, ये सारे नॉन ट्रांसफरेबल है। तो आइए जी, आइए थिन डिफरेंस जो था सिक्योरिटी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में बताया। फिर मैंने उसको समझाने के लिए आपको बताया जैसे मेंबर और शेयर होल्डर के बीच में थिन डिफरेंस होता है। हम जनरली बोलते हैं मेंबर और शेयर होल्डर सिनोनिम्स हैं 99.99% में, बिल्कुल ठीक है। But there is a difference of 0.00000001%. Because I can define, you know, that there's a difference between a member and a shareholder, because there are some companies which are non, which don't have any share capital. And it means a person is can be a member of that company without holding any shares. So there's a difference between shares, shareholder and a member. A very thin difference. Similarly, there is a thin difference between capital market and security market, because capital market is conclusive of transferable and non-transferable securities and security market only composite of transferable securities. So, दोस्तों ये बात मैंने आपको बतानी थी, ये बताना था कि एक thin line of difference है। और इन सब को करने के लिए आप ये बताइए, मैं नेक्स्ट क्लास में जो बताने वाला हूँ, मतलब नेक्स्ट लास्ट बेसिक कंसेप्ट लेक्चर नंबर 3 जो मेरा होगा, पांचवा लेक्चर होगा अगर हम शुरू से देखें, तो उसमें मैं बताऊंगा कि जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनको रेगुलेट करने के लिए किसी चीज की जरूरत होगी या नहीं, वो देखेंगे। लेकिन एक स्लाइड आपको लिखनी है अभी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि क्या क्या बेटर स्लाइड है बड़ी, कि आप ये बताइए कि एक कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर रही है, पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है, डायरेक्टली क्या वो पैसे कंपनी की पॉकेट में आ सकते हैं उस इन्वेस्टर की पॉकेट से? बेटा एक माध्यम की जरूरत है, एक मैकेनिज्म की जरूरत है, उसके बीच में बड़े सारे इंटरमीडियरीज की जरूरत है, तभी वो पैसा फ्लो हो सकता है फ्रॉम द पॉकेट ऑफ इन्वेस्टर टू द पॉकेट ऑफ कंपनी। एंड दोज इंटरमीडियरीज आर नेम्ड एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, लाइक बैंक्स, लाइक मर्चेंट बैंक्स, लाइक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। So like that, we have different types of financial intermediaries, the second component of financial system. So please, एक flowchart बनाइए। मैंने इस बात को समझाने के लिए एक vegetable system की बात की कि village है, किसान है, customer जो खाने वाला है, उनके बीच में differences है, manufacturer, फिर distributor, फिर wholesaler, फिर retailer, फिर customer। इसी तरह से फाइनेंशियल सिस्टम के बीच में भी बड़े सारे इंटरमीडियरीज की जरूरत है, बैंक्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज डिस्कस करेंगे, ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, NSDL, CDSL सब करेंगे। बेटे मैं सारी साइट सिखाऊंगा जितना मैं गूगल में जाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि कोई और टीचर भी जाता होगा, क्योंकि मुझे आपको रियलिटी में बताना है, रियल लाइफ की चीजें बतानी है। तो बेटे आज
ये लेक्चर नंबर 4 शुरू से या बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2 मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूं। मैंने अभी तक खाली आपको बताया कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेट करती है। और बेटे किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम उस कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर संभालता है। और आप देख लें कभी भी किसी भी कंट्री में फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ा लिखा होना चाहिए, बाकी नेता लोग अनपढ़ भी होते हैं, उनको छोटी मोटी मिनिस्ट्रीज दे देते हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा पढ़ा लिखा होगा। एक जमाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 के जमाने में, मैं उनकी बातें भी करूंगा। तो आप लिख लिया बेटे, हम वो बात करेंगे नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट नंबर लेक्चर नंबर 3 में या शुरू के फिले तो 5वें लेक्चर में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।